जावा मैं। वो तरिंदा जमानत पे रिहा हो गया। पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हम सबका? आप जानती हैं सेवा के अमी हॉस्पिटल में, आप समझने की कोशिश करें प्लीज। आपका बिल तो एडवांस में पेड़ है। मैं ये ना करता तो तुम पैसे कहाँ से लाती? अम्मी अम्मी क्या हो रहा है? अगर अम्मी को कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक बार कह दो कि आपने मुझे माफ किया। अच्छा मैंने आपको माफ किया, इसका मतलब है आज से हम लोग दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताई मुलाकात हुई अम्मी से? हाँ अस्पताल से घर आ गई है तेरी माँ। पर ताई तुमने बताया नहीं कि मैं? हाँ हाँ सब बताया, और तेरी खुशी के लिए तो मिन्नतें भी की कि चल के इसके सर पे हाथ रख दे या यहाँ बुला के उसको दुआएं दे दे, लेकिन नहीं, तेरी माँ ने इससे पहले मेरी सुनी है जो अभी सुनेगी। उसने कहा मेरी एक ही बेटी है और वो है ज़ेबा, बाकी रिश्ते खत्म। मतलब कि सच में मम्मी ने मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया? हाँ, जिसकी वजह से तू उस दिन मुझसे जिद करके गई थी ना, उसने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि फरा मेरे लिए मर चुकी है। देख तेरे आगे हाथ जोड़, अपने दिल को पत्थर का बना ले, अब यही तेरा घर बार है और यही जिंदगी है, उनको भूल जा, और आइंदा उन लोगों का जिक्र इस घर में नहीं होना चाहिए। दफा हो जाए, आग लगे उन्हें। अगर अब अम्मी को कभी मेरी याद आई या वो मेरे पास पलट कर तो ना शक्ल देखूंगी और ना अपने बच्चे की देखने दूंगी। आंटी को लिटा दिया? हाँ आराम कर रही हैं। जैसे हालात हैं ऐसे में यहाँ इस वक्त तुम लोगों को लाना मजबूरी थी। मैं बहुत जल्द तुम लोगों के कहीं और रहने का इंतजाम करूंगा। क्यों? हम अपना घर छोड़कर कहीं और क्यों जाएंगे? यार तुम्हारे मोहल्ले वाले। मैं अब किसी से नहीं डरती समझ? मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम किसी से मत डरो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम केस भी वापस मत लो, एक बार चलकर लॉयर से मिलो, क्योंकि जब तक साहिल आजाद रहेगा दुनिया हमें गुनहगार समझती रहेगी। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, आप मुझे जॉब ढूंढ के दे सकते हैं? जॉब क्यों करोगी तुम? क्या मतलब क्यों करोगी? जब से सब हुआ है मोहल्ले वाले अपने बच्चे नहीं भेजते पढ़ने के लिए, घर का खर्चा बहुत मुश्किल हो गया है, फिर ऊपर से अम्मी की तबीयत। आप मुझे कोई भी जॉब ढूंढ दें। ठीक है मैं देखता हूँ। अपना ख्याल रखना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फौरन फोन कर दें। कुछ कहा तुमने? नहीं। सा, आप यहां बैठी हो, चलो चल के लूडो खेलते। क्या हुआ? रो रही हूं आप? इस बैट बॉय की तस्वीरें देख रही थी आप, इसलिए लो रही हो? बता मुझे इसलिए लो रही हो? मेरे प्यारे भाई तुम ये सब बातें नहीं समझ सकते, इसलिए सब समझता हूं मैं, सारी बातें जानता हूं। आपकी जिंदगी खराब कर दी इसने, ज़ेबा की जिंदगी खराब कर दी, और मैं तो बेकसूर हूं ना।
फिर भी पुलिस उठा के ले गई मुझे, पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया उन लोगों ने मुझे। और अम्मी बाबा उनका क्या कसूर है? देखा क्या कुछ बीती है उनके ऊपर, सब इस बैड बॉय की वजह से। ज़ेबा तो बेवकूफ है, वो नहीं जानती है किस किस्म का लड़का, लेकिन मैं जानता हूं। और इस बैड बॉय को ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद करेगा पूरी जिंदगी। पकड़ो, डिलीट करो उसकी सारी तस्वीरें, अपने फोन से डिलीट कर, करो। आ गई घर की याद तुम्हें? वहीं थे ना उसके पास कल से? मसाला कांटी की तबीयत बिगड़ गई थी इसलिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उन लोगों की वजह से मुझे परेशान कर रहे हो और खुद भी हो रहे हो। परेशान मत हुआ करे ना, जिन हालात से गुजर रहे हैं, जो सिचुएशन बनी हुई है, उसमें मुसलसल तुम्हारा उन माँ बेटी के साथ रहना तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, समझ? नहीं, आप समझ नहीं रहे। बस नहीं जाओगे वहां, तुम नहीं मिलोगे उन मां बेटी से। मेरे सर की कसम खाओ कि तुम उस मनहूस लड़की को भूल जाओगे, समझ? तुम्हें कहानी होगी कसम, मुझे सुकून मिलेगा इससे। कोई वादा नहीं कर सकता, सेवा को मेरी जरूरत है। मेरे इलाज का खर्चा तो बहुत हुआ होगा। आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे कर लिया तुमने ये सब? मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली? मेरा मेरी क्या हैसियत है? जो मुश्किल में डालता है वो आसानी भी दे ही देता है। लेकिन बेटे, बस अम्मी अब आप कोई बात नहीं करेंगे, अब आप सिर्फ आराम करेंगे। देखा जैसे ही बात करती हैं आपका कैसे सांस फूलता है। बस अब आप रेस्ट करें, उठ के लेटे चले आराम से, नीचे ओके। हाँ आए चले, हाँ आराम से, इंशाल्लाह जब आप ठीक हो जाएंगे मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। अभी मैं किचन को देख लूँ, कोई भी बात हो आवाज़ दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आइए। आइए बैठिए। मैं यहां बैठने नहीं आई हूं, तुमसे बात करने आई। कीजिए। वैसे तुम इस लायक तो नहीं थी कि मैं तुम्हारे घर तक आऊं तुमसे बात करने, लेकिन मैं अपने बेटे की मोहब्बत में मजबूर हूं इसलिए यहां तक आ गई। मजबूर तो मैं हूं आपके बेटे की वजह से, पर मैं ऐसा जवाब देती कि याद रखती। अच्छा, तो चलाक और मक्कार के साथ साथ तुम बदतमीज भी हो। जो कहने आई है वो कहें, मेरे बेटे सुमत की जिंदगी से निकल जाओ। क्या मतलब? मैं जानती थी कि
तुम इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हो। ड्रामा करोगी, बहस करोगी, जितना मैं तुम्हें जान चुकी हूँ शायद ही कोई और जान सके। तुम्हारा मकसद सिर्फ अच्छा क्या जानती हैं? क्या मकसद है मेरा? वही साहिल पर इल्जाम लगा के जो कुछ तुम हासिल करना चाहते हो वहां से तो हासिल हुआ नहीं, अब मेरे बेटे की मासूमियत का फायदा उठाना चाहती हो? ये मैं कभी होने दूंगी नहीं। मैं तुम्हें समत की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी। पैसा चाहिए ना तुम्हें, दौलत और ऐश के लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो ना? ये लो। वैसे तो मेरा बेटा अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है, फिर भी ये लो। इसके बाद भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो मुझे बता देना, सब कुछ दे दूंगी। लेकिन आज के बाद समत इस घर में आया तो तुम उसको धत्कारोगी, भर दोगी अपने लिए उसके दिल में नफरत, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे बारे में ना सोच सके। बड़ी बीबी ने आपको अंदर आने से मना किया है, वो अभी आती होंगी, आप यहीं रुके। समझ साहब मुझे मजबूर ना करें, रुके रुके। क्या हो रहा है ये? बीबी जी ये जबरदस्ती अंदर घुसा है। अब जब हार चुके हो तो यहाँ क्यों आए हो तमाशा लगाने? अभी तमाशा कहाँ लगा? आपकी फैमिली का तो वो तमाशा लगेगा कि सारी दुनिया देखेगी। दिल मत समझिएगा कि हम खामोश बैठेंगे। दुनिया ने जो देखना था देख चुकी। तुम्हारा और जेबा का कारनामा सबूत समेत सब देख चुके हैं और समझ भी गए। अब अगर इतनी सी भी गैरत बाकी है तो तौबा कर लो। तौबा कौन करेगा ये तो वक्त बताएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को झूठे कागज दिखाकर ये मत समझिएगा कि आपने फतह का झंडा गाड़ दिया है। पूरी दुनिया भी झूठ का साथ दे ना, तब भी झूठ सच पर भारी नहीं होता। झूठ सच सब जबानी बातें। अपना गुनाह छुपाने के लिए तुमने जो कब्र खोदी थी ना मेरे बेटे के लिए, अब तुम और जेबा उसमें खुद दफन हो चुके हो। घुट घुट कर मरोगे तुम दोनों उसमें। मरेगा तो आपका बेटा। फांसी के फंदे पर चढ़ के समझ। अम्मी नहीं करें, तो बैड बॉय है ना, आप इसको मारेंगे तो आपके हाथ खुद गंदे हो जाएंगे। आप पुलिस को बुलाएं, जेल जाएगा ये। हाँ बुलाओ पुलिस को, साथ मीडिया को भी बुलाओ। दो हाथ पड़ेंगे ना तो मासूमियत का सारा ढोंग खत्म हो जाएगा इसका। मासूम तो तुम बनते हो सबके सामने, वो बेचारी जेबा के सामने भी। वो तो अच्छी है, तुम्हारी बातों में आ गई, धोखा देते हो ना सबको। कब तक धोखे, जब सबको सच पता लग जाएगा ना फिर क्या करोगे? तुम अपनी फिक्र करो बस, मत आजमाओ हमारी शराफत को। वरना क्या करेंगे आप? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था ना, समझो वो सिर्फ ट्रेलर था। मैं जानता हूं आपके पास सिर्फ झूठे सबूत हैं और मैं आपकी बातों से डरने वाला नहीं हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि अब आप खामोश क्यों हैं। इसलिए कि जो कुछ उस मासूम लड़की के साथ हुआ है इस घर में महसूस करते हैं। जा तुम चुप। बहुत बचा लिया तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें, इस बार नहीं बचोगे तुम। बस गेट लॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम समद, आपसे एक बात करनी थी, आप आ सकते हैं? मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या मम्मी आप बाहर क्यों आ गई? आराम करें ना।
हाँ। अंदर बैठी रहती है, क्या हुआ? हाँ जाती हूँ। बात मानेंगी? मैं 100 बातें मानूंगी। बताएं क्या बात है? फरह को बुला दे। कितनी मेरी बच्ची कैसी है, किस हाल में? ठीक है, पर आज एकदम से फरह क्यों याद है? से सोते आंख लग गई। मैंने देखा वो गले लगकर बहुत रो रही थी, तो बुला उसे। हम अब फरह को फर्क नहीं पड़ता कि हम हैं या नहीं। तो फोन तो कर उसे, उसे मेरी हालत का बता, उसे कह के मरने से पहले उसे एक बार देखना चाहती। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? अच्छा नहीं करूंगी ना ऐसी बातें। तो फोन तो मिला उसे। बन जा रहा है नंबर, बार बार मिलाती रहे, बात ना हो तो उसके घर चली जाना। सुनिया मेरी प्यारी बेटी है ना तुम, पर अभी बहुत प्यारी है। तुम दोनों मेरी नजरों के सामने रहोगे तो मुझे सुकून मिलेगा। इसमें क्या है? पैसे। हाँ तो दिया सेवा, मैंने हॉस्पिटल के बिल के पैसे तुमसे वापस लेने के लिए नहीं दिए थे। वो भी वापस कर दूंगी बहुत जल्दी। तो फिर ये इतने सारे पैसे किसके हैं? आपकी अम्मी देखी गई थी। मेरी अम्मी यहाँ ही थी पैसे देने के लिए? कब? क्यों? समझ, आप ये पैसे लें और जाएं। मेरी अम्मी ने तुम्हें पैसे क्यों दिए? बजा जाने बगैर मैं नहीं जाऊंगा। हर बात आपको बताना जरूरी नहीं। हर बात मेरी माँ से जुड़ी हुई नहीं होती सेवा। समझ, आप ये पैसे लें, यहाँ से जाएं और वापस कभी मत आइएगा। क्यों? क्यों नहीं आऊं? बस नहीं आएगा, बहुत कर लिया आपने मेरे लिए। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया मैंने, अपने लिए भी तुम्हारा साथ दिया है। हम में से किसी एक की भी जीत दोनों की जीत होगी। नहीं जीतना मुझे, नहीं लड़ना मुझे। जो हो गया वो हो गया, बस बात खत्म ना। समझ, सब बिकता है यहां। इज्जत बिकती है, ईमान बिकता है, मौत बिकती है और इंसाफ बिकता है। हर कोई पैसा दिखा के खरीदना चाहता है सब कुछ। बहुत आसान है ये। समझ, वो आपसे बहुत प्यार करती है, उनकी इज्जत करें, वो जो कहती हैं वो करें, इसलिए ले जाएं पैसे। और अम्मी के ठीक होने तक हम यहाँ हैं, उसके बाद हम भी मोहल्ला छोड़ देंगे। और मैं आपसे माफी मांगती हूँ उस वक्त के लिए, वो सब जो हुआ। आप ना मुझे सहारा देते, ना अम्मी को आप पे शक होता, ना वो आपको मारती, ना आप इस तरह रुसवा होते। तो समझ, आप ये पैसे लीजिए और प्लीज। से भूल पाऊंगा यार, उस रात की मेरी एक गलती। गलती? क्या गलती कर बैठे हो? हैं? वो कारखाने में गलती हो गई थी यार।
वो ऑर्डर खराब हो गया तो नुकसान हो गया बहुत ज्यादा। तुम्हें कहीं नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे? नहीं, इतने अरसे से काम कर रहा हूँ। जो मालिक है ना हमारा, माफ कर दिया उसने। मैं तो बस शर्मिंदा हो रहा था अपनी गलती। तुम ठीक हो? तभी ठीक है तुम्हें? हाँ, पूछने आई थी, खाना लगा दो। नहीं नहीं, भूख नहीं है। तूने खा लिया? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी लेकिन फिर भूख बर्दाश्त नहीं हुई। अच्छा अच्छा, किया। अम्मा कहाँ है, सो गई? कब की? चल मैं भी सो जाता हूँ, नींद आ रही। अच्छा, पैसे वापस भिजवा दिए उसने। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। उम्मीद तो मैंने भी कई बातों में तुमसे नहीं रखी थी। क्या फर्क समझूं आपने और नादिया आंटी में? बहुत फर्क है। नादिया ने जेबा को पैसे दिए थे अपने बेटे के गुनाह को छुपाने के लिए, और मैंने जेबा को पैसे दिए थे अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए। क्या होती है, अंदाजा है आपको? नहीं ना, जाके जेबा को देखे, उसके घर को देखे, उसकी मां को देखे। नहीं देखना मुझे सिर्फ तुम्हारी जिंदगी देखनी है। आप इतनी खुदगर्ज कब से हो गए? समझ? I'm sorry. आपको बुरा लगा? आप मेरी माँ है और मुझे कोई हक नहीं है आपसे इस तरह बात करने का। लेकिन आपको पता है जेबा ने क्या कहा? वो जेबा जिसकी कहीं कोई इज्जत नहीं है, उसने आपकी इज्जत करने को कहा। जिसकी कहीं कोई अहमियत नहीं है, उसने आपको अहमियत देने का कहा। जिसका दुनिया में कोई नहीं रहा, उसने हमेशा आपका होने को कहा। लेकिन आज एक जगह है
उसने अपनी इज्जत, अपनी अहमियत, अपना मकाम बना लिया। यहाँ मेरे दिल में एक बार कह दो कि आपने मुझे माफ किया। अच्छा, मैंने आपको माफ किया, इसका मतलब है आज से हम लोग दोस्त हैं। अच्छा ठीक है। किन सोचों में हो सिराज? कुछ दिनों से काफी परेशान नजर आ रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, कोई तो बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कोई बात नहीं है नादिया, जब तक साहिल पर इल्जाम था तुम इतने परेशानी नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उस पर से इल्जाम हटता जा रहा है तुम और परेशान नजर आ रहे हो। नादिया चुप कर जाओ, मुझे प्लीज अखबार पढ़ने। अखबार पढ़ कहाँ रहे हो तुम? वक्त से पहले जो भी बात है मुझे बता दो, किसी बड़े आने वाले तूफान की शिद्दत कम हो सकती है। सच जो भी है तो मुझे बता सकते हो सिराज, वो तुम ही थे ना। रेशम, जी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी ठीक है। तो हमें चाय क्यों नहीं सर्व कर रही तुम? आदाब भूल गई हो? जी भूल गई थी। भूल गई, अब सर्व करो हमें, डालो चाय, पहले साहब को देना। नहीं, मुझे रहने दो। आइंदा ख्याल रखो। जी। अरे कोई शर्म, कोई गैरत नाम की चीज है तुम दोनों माँ बेटियों में? हम लोग तो समझे थे कि कब की मर चुकी होगी तुम्हारी माँ, और तुम मेरी माँ के बारे में एक गलत बात मत करना। खबरदार जो जबान चलाने की कोशिश की, वरना उस दिन से ज्यादा बुरा हशर होगा तुम्हारा। नहीं अम्मी, अम्मी कोई मेरे बेटे को कुछ मत कहे, खुदा का वास्ता। आप उठ के क्यों बाहर आए? बंद करो ये ड्रामा, बोरिया बिस्तर समेटो और इस मोहल्ले से चलती बनो। इस दफा तो हम लोग आए, अगली दफा कमेटी वाले खुद आएंगे। अरे वो क्या नाम है लड़के का, समद, आता जाता रहता है इनके घर में। आप पे कोई हमदर्दी नहीं है ना? इनकी हालत देख रही हैं आप? हमारी वजह से हुई है ये हालत। टट्टू अच्छे होते तो इज्जत के साथ रह रही होती, हमें भी परेशानी नहीं होती। आज तो इन लोगों को निकाल कर ही रहेंगे इस मोहल्ले से। चले जाएंगे हम, बस हम चले जाएंगे यहाँ से। थोड़ा सा वक्त हमें, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, ज्यादा शोर मत करो, इतनी इंसानियत है हम मोहल्ले वालों में कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक होने तक तुम्हें मोहलत दें। लेकिन याद रखना, कोई हेरा फेरी नहीं, मजीद आना जाना किसी का बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, समझ रही हो ना मेरी बात? चलो चलते हैं। चलो चलो। मम्मी, मम्मी, बैठे आप क्या करती हैं? क्यों आई हैं बाहर? बैठे क्या हो गया है, रो क्यों रही हैं आप? सुकून गारत तो उन लोगों जिनकी वजह से हम लोग बेसुकून हो गए। अच्छा दफा करें, बस अपना ख्याल रखें आप, क्या हो गया है, हौसला करें ना। मैंने अपनी जिंदगी में से अपने ऊपर बड़े से बड़े मुसीबतों के पहाड़ बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अपनी औलाद की बेवजह जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं। बेगुनाह होकर भी जालिमों और गुनाहगारों की तरह सलूक किया जा रहा है तेरे साथ। तुम्हें हाथ जोड़ने पड़ेगा लोगों के सामने। कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं होता, मैंने खुद चुना है ना ये रास्ता अपने लिए, तो मुझे बर्दाश्त करना है और आपको भी बर्दाश्त करना है, पर ये सारी जिंदगी थोड़ी रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तेरा क्या होगा?
कैसे गुजरेगी मेरी जिंदगी? मैंने तो काम काज करके जैसे तैसे सारा किया, पर तो मैं जॉब कर लू, मैं सब संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना, मैं सब कर लूंगी, बस आप अपना ख्याल रखो। मेरी हिम्मत है, आप ठीक हैं तो सब ठीक है, और बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि फिर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैंने बहुत अच्छा अच्छा सोचा, अपने टेंशन नहीं ले, ठीक है? आपने फरा से मिलना था ना, है ना? मैं उसको लेकर आता हूँ, लेकिन उससे पहले आप वादा करेंगे कि आप रेस्ट करें, ठीक है? चलो ठीक, बहुत हो गया, मेरी जान ध्यान से। हाँ है रेशम, पहले जेबा भी मुझसे आपकी तरह डरा करती थी, लेकिन फिर हमारी दोस्ती हो गई, हम रोज खेलते थे, जेबा बहुत अच्छी थी, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन फिर वो समन ने सब कुछ खराब कर दिया, वो जेबा से जबरदस्ती बात करना चाहता था। और वो बहुत मासूम थी और समद बैड बॉय, पता नहीं उसने जेबा से क्या कहा, उसने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी, मुझे बहुत मारा, बदनाम किया मुझे। मैंने ना उसको इतना समझाने की कोशिश की, जेबा ना समद की बातों में आके मुझे बुरा समझने लगी, मैंने इतनी बार कोशिश की कि उसको समझाऊं कि मैं बुरा नहीं हूं, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, लेकिन वो मुझ पे यकीन ही नहीं करती, नफरत करती है मुझसे। क्या कर सकते हैं जी, बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उसे और परेशानियों से बचाए। आमीन। रेशम, आप तो मेरी दोस्त हो ना? मैं? जी जी। तो मेरा एक काम करोगी आप? कैसा काम? आप जाओगी जेबा से मिलने, उसको समझाओगी कि मैं बात करना चाहता हूँ उसे, मैं सब कुछ समझा दूंगा उसे, आप जाओगी ना? क्या बात कर रहे हैं छोटे साहब, मैं कैसे जाऊंगी, बीबी जी को पता चल गया ना तो मुसीबत आ जाएगी। हाँ, ये तो है। आप एक काम करें ना, आप उसे फोन कर लें। नहीं ठीक है, मैं किसी और दिन बात करूंगा उससे। अच्छा रेशम, अब हमारी दोस्ती हो गई है ना, आपको इस घर में कोई भी प्रॉब्लम ना, आप मुझे बताना, मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगा, ओके? क्या बड़े साहब की बात छोटे साहब को बता दूं? क्या हुआ? क्या सोच रही हो आप? कुछ नहीं जी। मैंने तो आपको अपने बारे में सब बता दिया, आपने कुछ नहीं बताया। आपके घर में कौन कौन है? जी मैं क्या अपने बारे में बताऊं? हम ना तीन बहनें और एक भाई है, बहुत बड़ा गांव है हमारा, ये चाचा मसूद है ना, चाचा मसूद वो हमारे गांव का ही है, बहुत बड़ा गांव है हमारा। अच्छा, नाइस। और आपके गांव में आपका घर कितना बड़ा है? फरा तेरी हिम्मत कैसे हुई,
मेरे घर में कदम रखने की, निकल जा फौरन यहाँ से आवारा लड़की। ताई अम्मी मुझे एक दफा फरा से मिलने। खबरदार, जो अपने मुंह से मुझे तूने ताई कहा तो ठीक है, नहीं कहती, अब जो कहेंगी वो करूंगी। मुझे एक दफा फरा से मिलने थे, जो से अम्मी के पास। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तेरे साथ उसे घर जाने तूने। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, वो रोज रो रो के फरा को याद करती है। रोती है तो रोए मेरी बला से। वैसे भी हाशिम फरा को लेकर अस्पताल गया है चेकअप के लिए, अगर वो घर पे होती ना तो तब भी मैं उसे तेरे साथ जाने नहीं देती। पहले जलील करके बहन को घर से निकाला और अब बुलाने आ गई है। कितनी बेशरम लड़की है तू। मैं मानती हूँ मैं गलत थी, आपको गुस्सा है मुझ पर, जो जायज है। आप मुझे मारे बुरा भला कहे मैं अब तक नहीं कहूंगी, लेकिन इस वक्त अम्मी को जरूरत है फरा की। उनकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे एक दफा फरा को लेके जाना है वहां। आप भी एक दफा चले जाइए, आपको देख के वो बहुत खुश होंगी। अम्मी की तबीयत बेहतर हो जाएगी। वो क्या तेरे साथ तेरे घर जाऊं ताकि मोहल्ले वाले जिल्लत की जूतियां मारे मुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देख ज़ेबा, पता नहीं मेरी जबान पे तेरा नाम क्यों आ गया। एक मिनट के अंदर अंदर मनु साया लेकर इस घर से दूर चली जा तू। तेरे जैसियों से इस घर को पाक रखना है ताकि कल को आने वाले वारिस को मुसीबत और बलाओं से बचा के रखूं। वारिस यानी फरा? कहां जा रही है? निकल जा इस घर से, और आइंदा इस घर पे अगर तूने कदम रखा या फरा से बात करने की कोशिश की तो मैं तेरा वो हशर करूंगी कि तू याद रखे। दफा हो जा यहां से, निकल जा। आस लगी सांस पे।